नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां आप मुफ्त में भोजन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से। आप कभी काशी विश्वनाथ बनारस में दर्शन करने जाते हैं तो आप ट्रस्ट की ओर से फ्री भोजन संचालन में बैठकर आप अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। और आपको एक बात बता दूं, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास ऐसी कोई भोजन की उत्तम व्यवस्था नहीं है, पैसे देकर भी जो भी आपको यह फ्री भोजन में दिया जाता है। आइए आपको पूरा दिखाते हैं किस प्रकार से यह भोजन परोसा जाता है और किस प्रकार कहां इसका एड्रेस है, आप जहां आराम से पहुंच सके। आइए पूरा वीडियो देखते हैं। और आप मेरे इस वीडियो में नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वाराणसी में ही हैं, आपको पता ही है अपना वहाँ ब्लॉग और सीरीज चल रही है। आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जहाँ बहुत बढ़िया ट्रस्ट की तरफ से भोजन, वो भी मुफ्त, और क्या क्या उधर फैसिलिटीज हैं वो भी आप दिखाना चाह रहे हैं। आपको जब भी आप आएँ, आप काशी में अन्नपूर्ण ट्रस्ट जो मंदिर का है उनकी तरफ से, अन्नपूर्ण की तरफ से नाम से चलाया जा रहा है अन्न क्षेत्र ट्रस्ट, और इस क्षेत्र को अन्न क्षेत्र कहा जाता है। आपको हम इधर ले चलेंगे और देखेंगे कैसे मुफ्त भोजन परोसा जा रहा है और किस क्वालिटी का क्या चीज़ है, वो भी आपको दिखाते हैं। जब आप अंदर हॉल में जाएंगे तो आपको पहले हॉल में बिठाया जाएगा साफ टेबल कुर्सी पे। उसके बाद आपकी पत्तल की प्लेट लगाई जाएगी, उस पर दो सूखी सब्जी और एक दाल चावल और एक पूरी आपको परोसी जाएगी, जिसे आप खाकर बहुत ही आनंद महसूस करेंगे। और इस भोजन को ग्रहण करने के बाद आप अपनी मर्जी से डोनेशन स्लिप भी कटवा सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो आप अपनी इच्छा से करवा सकते हैं आप कराना चाहें तो। और मेरा मानना ये है कि ऐसे अच्छा भोजन बनारस में सात्विक भोजन प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। अभी मैं यहाँ पर जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं आपको थोड़ी यहाँ की जानकारी दिलवाता हूँ। जो मुफ्त भोजन करना चाहता है बिल्कुल, और जिसमें सामर्थ्य है वो यहाँ पे डोनेशन की पर्ची भी कटवा जा सकता है जैसे हमने कटवाई। और आपको भी इतना शुद्ध भोजन मैं दिल से कह रहा हूँ, यहाँ कोई बंदिश नहीं है, मुफ्त खा सकते हैं। और आपसे कुछ प्रश्न है जो आपके मन में भी होंगे वो भैया से पूछते हैं। भैया, यहाँ रोज कितने लोगों का भोजन मिलता है? डेली 8 से 10 हज़ार लोग डेली भोजन, 8 से 10 हज़ार रोज भोजन करते हैं। अच्छा, ये क्वालिटी आप मेंटेन करके रखते हैं इतना? अच्छा, यहाँ पे ये समय क्या है इसका? सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अच्छा, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का है? पहला शाखा जो है मेरा यूनिट फर्स्ट मंदिर के पीछे, वहाँ पे शाम को भी 7 बजे से 9 बजे तक चलता है वहाँ। अच्छा, जो एक कंट्रेक्शन का मैंने सुना था चल रहा था? नहीं, करें तो पुराना बिल्डिंग है मेरा। अच्छा, वहाँ पे चलता है, वहाँ अभी भी चलता है रात को 7 से 9। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया। भैया, इस गली को क्या कहते हैं, आप अपने आप एड्रेस बता दीजिए। बास पाटक, सापुरी मॉल का ठीक सामने, कैनरा बैंक वाली गली। अभी हम भोजनालय में आ गए हैं, आपको हम बता ही रहे थे मुफ्त भोजन का, वो आपको दिखा भी रहे हैं कितनी स्वच्छता से खिलाया जा रहा है और कितने अच्छी क्वालिटी का भोजन कराया जा रहा है, वो आप खुद ही देख सकते हैं। मैंने भी भोजन करा जिसमें चावल और एक सूखी सब्जी, सूखी सब्जी और एक गीली सब्जी के साथ, और एक ऊपर से मिठाई का पीस भी परोसा गया, जिससे खाकर मैं आनंदित हुआ। आपको मैं दिखाना चाह रहा था, आप काशी में कभी आएँ तो ट्रस्ट की तरफ से, और इतनी सुविधा आप खुद ही देख रहे होंगे क्लिप्स में, और आप देख रहे हो। मैंने आपको एड्रेस बता दूँ, ये कैनरा बैंक वाली गली में अंदर आके अन्नपूर्णा क्षेत्र के नाम से जगह है जहाँ आप आके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं मुफ्त। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से और अगली नई सीरीज में आपसे मिलेंगे, और वाराणसी के किसी अन्य किस्से के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।